Hey, what's up YouTube? Welcome back to another vlog. I'm Shravan. You are watching my YouTube channel SKM Backpackers. So guys, आज मैं जा रहा हूँ शारदा यूनिवर्सिटी में. मैं एज अ एलुमिना इन्वाइटेड हूँ और आज जो कार्यक्रम होने वाला है उसमें NAAC, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया का, जो हायर एजुकेशन जो कॉलेज में जाके देखते हैं, उनकी सारा कुछ छानबीन करते हैं और उसके बारे में रिसर्च करते हैं, देन उसको मतलब ग्रेड देते हैं. जैसे ग्रेडिंग होता है ना उस तरह से कि ये कॉलेज इस ग्रेड में है. तो वो लोग NAAC आ रहा है शारदा यूनिवर्सिटी में, अपनी वहाँ की जो एलुमिना है वहाँ पर बच्चे जो पढ़ लिए उनका एक्सपीरियंस क्या है शारदा यूनिवर्सिटी के बारे में, और वो जो जॉब कर रहे हैं या फिर अपने क्लिनिक, जैसे कि मैं अपना क्लिनिक स्टेबल किया, अपना क्लिनिक खोला, क्यों खोला, कैसे खोला, क्या शारदा से मैंने सीखा, ये सारा चीज़ वो मेरे से जानेंगे. ठीक है, उसमें हम मतलब थोड़ा सा फंक्शन टाइप से होगा और खाने पीने सब चीज़ का व्यवस्था है. और इवन मेरे पूरे बैच में मतलब 150 बच्चों का बैच था, उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ही बुलाया गया है, क्योंकि और भी बच्चे मेरे बैच का जो है वो स्टेबल उस तरह से नहीं है जैसा मैं हूँ. अपना खुद का क्लिनिक खोल के, खुद का स्टेबल करके और अच्छा ग्रेटर नोएडा में एक SKM फिजियोथेरेपी का लोगो और पहचान बनाया हूँ, तो उसके रेफरल के वजह से मेरे को शारदा यूनिवर्सिटी में मेरे जो डिपार्टमेंट के फिजियोथेरेपी के जो हमारी रीता मैम है, उन्होंने मेरा नाम दी और मुझे बोला कि स्पेशली बेटा तुम ज़रूर आना, क्योंकि तुम आओगे मुझे बहुत अच्छा लगेगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करना, ताकि उन लोगों को पता चले कि शारदा यूनिवर्सिटी क्या है और कैसा है, तो वो सब चीज़ें. तो मैं तैयार हो गया हूँ, नया शर्ट. तो अभी चलते हैं हम शारदा यूनिवर्सिटी. आज बारिश हो रहा है तो बारिश में मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ कि बारिश थोड़ा धीमा हो जाए, बट थोड़ा थोड़ा हो रहा है. चलते हैं अब, है ना, और वहाँ पे खाने पीने की व्यवस्था है, उसके बाद उनसे इंटरेक्शन होगा, देखते हैं कैसे क्या होता है. मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है फिलहाल, बस इतना पता है और वहाँ पे क्या होने वाला, कैसे क्या होगा वो सब चीज़ वहाँ पे चल के पता चलेगा. चलिए आप लोग मेरे साथ. अपना गोविंदा अभी पैक है, बारिश से बच गया ये, तो इसको निकालते हैं. ये अपना गोविंदा. तो बारिश हो गई है, हालत ख़राब. अब चलते हैं, चाबी मैंने लगा दिया है. श्रावण सो गाइस, फाइनली फोर्थ फ्लोर पे पार्किंग के लिए गाड़ी लगाने के लिए बोला गया और इजीली एंट्री मिल गया. देख सकते हैं चौथी मंजिल पे है गाड़ी पार्किंग, बहुत मस्त बनाया है, बिल्डिंग नया बनाया. तो अभी चलते हैं, खाने वाने का सिस्टम है, वो पहले खाते हैं फिर एज एलुमिना ये सामने वाला बिल्डिंग जो है इसमें चलना है अपने को, तो उसमें क्या प्रोग्राम हो रहा होता है वो आगे आपको अपडेट मिलता रहेगा. बाकी ये मंडेला और बारिश हो रही है अभी भी हल्का हल्का. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा कॉलेज को इन लोगों ने सजा दिया है. तो मैं अभी चल रहा हूँ लंच के लिए, पहले लंच करते हैं देन इंटरेक्ट करेंगे प्रोग्राम में. यहाँ पे सारे कंट्रियों का स्टॉल लगा था खाने पीने का, पर बारिश की वजह से इसको अंदर कर दिया गया. चलते हैं जल्दी से खाना लेते हैं, और ये मैंने खाना ले लिया है अपना और जल्दी से अब खाते हैं.
है वीडियो, क्या मस्त मजा आया भाई, गजब। और मस्त हो गया, इसमें मैंने खाना खा लिया, अब चल रहे अपनी जो इंटरव्यू होने वाला वहाँ पे। सो गाइस यार, जब मैं रजिस्टर किया था मुझे पता नहीं था, मैं दो आदमी का डाला था, मगर पूरा फैमिली भी आ सकते हैं यहाँ पे, सबके लिए मस्त खाने पीने की व्यवस्था। क्या मस्त खाना था भाई, मज़ा आ गया, गुलाब जामुन है बहुत मस्त। 5 मिनट लेट हूँ बट कोई नहीं, बारिश हो रही है, क्या कर सकते, सभी लेट होंगे। ब्लॉक 7 में पहुँच चुका हूँ एज एल मुन है, अब यहाँ पर जो भी होगा देखते हैं, लेट्स सी। बाकी शारदा बहुत बदल रहा है दिन पर दिन, बहुत अच्छा बना रहा है, अच्छी बात है, अपनी यूनिवर्सिटी है। तो अभी आ गए हम लॉ बिल्डिंग में, इसी में हमारा अभी इंटरेक्शन होने वाला है। तो गाइस फाइनली हमारा NAACP के द्वारा इंटरेक्शन हो चुका है, और अंदर में उन लोगों ने वीडियो लेने से मना कर दिया था थोड़ा प्राइवेसी को लेके। तो आप चलते हैं वापस, और इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, 10 से ज़्यादा नहीं, टेक केयर, शाबाश, केयर, बाय बाय।